पश्चिम बंगाल के निजलपाईगुड़ी में हुए रेल हादसे के बाद घायल यात्रियों से मिलने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला, जिसका आरजेडी नेता मनोज झा ने समर्थन किया है। मनोज झा ने कहा कि ममता बनर्जी ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री वंदे भारत के उद्घाटन व्यस्त हैं, स्लीपर कोच की क्या स्थिति है, सरकार की प्राथमिकता क्या है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इसके साथ ही इस दौरान मनोज झा ने कई ट्रेनों के नाम गिनवाए और उनमें मिलने वाली सुविधाओं का भी जिक्र किया। कोई एक चीज इसमें बोली हो ममता जी ने जो गलत हो? क्या हो रहा है? मौत, हादसा, मौत, मुआवजा, फिर अगले हादसे का इंतजार, और रेल मंत्री और प्रधानमंत्री वंदे भारत का उद्घाटन करते हैं। अरे एक बार जाके देखो ना, कंचनजंगा, लिच्छवी, श्रमजीवी, श्रम शक्ति जैसी ट्रेनों का क्या हाल है? स्लीपर कोचेस कितने थे और कितने लगाए जा रहे? स्लीपर कोचेस की क्या हालत? मतलब दुनिया में क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी प्राथमिकताएं क्या है भाई? कवच को लेके यूं यूं दिखा रहे थे, कहां गया कवच? मतलब हादसा भी फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए, और कहीं तो अकाउंटेबिलिटी। इस सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ही नहीं है। किसे कहोगे? नीट में इतना बड़ा मचा हुआ है, शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं, वो क्लीन चिट दे रहे हैं। यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं बालासोर के बाद, ये कंचनजंगा का, दार्जिलिंग में, कोई नहीं, जाएंगे मुआवजे की घोषणा होगी, 100-150 तस्वीरें आएंगी, कहानी खत्म, फिर अगले हादसे का इंतजार। दरअसल सोमवार को बंगाल में हुए रेलवे हादसे के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि जब मैं रेल मंत्री थी मैंने 2-3 बड़ी रेल दुर्घटनाएं देखी, उसके बाद मैंने सुनिश्चित किया कि टक्कर रोधी उपकरण तैयार हो, उसके बाद ट्रेनों की टक्कर बंद हो गई थी। आज रेलवे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। आपको पता, इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 40 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आज रेलवे में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता। उनकी पुरानी पेंशन भी वापस ले ली गई है। मैं रेलवे कर्मचारियों के साथ हूँ। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस सरकार को सिर्फ चुनाव की परवाह है। हालांकि राहुल गांधी के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्रेन हादसे पर मोदी सरकार की आलोचना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ने रेलवे मंत्रालय को कैमरा संचालित आत्म प्रचार के मंच में बदल दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।